हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज न्यूरोथेरेपी एंड हाउ इट वर्क्स। डियर फ्रेंड्स, क्या है न्यूरोथेरेपी और यह कैसे काम करती है, आज इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये भी बताएंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त थेरेपी कैसे काम करती है कि ये आपके बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का इसके अंदर सामर्थ्य है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सैकड़ों साल पहले जब मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं थी, तब हमें जो भी बीमारी होती थी तो हम वैद्य के पास जाते थे और अपना इलाज करवा के आ जाते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे हमारा दुर्भाग्यवश हमारे देश के अंदर मुग़ल शासन और अंग्रेज़ों का शासन आया, तो उस दौरान हमारे देश में मेडिकल साइंस की व्यवस्था की गई, लेकिन वैद्य फिर भी थे, पर ये अंग्रेज़ों के सामने कमज़ोर पड़ गए। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास शासन था तो उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई और लोगों का उपचार करते गए, लेकिन इस थेरेपी का कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों का मकसद सिर्फ हमारे देश को लूटना था। देसी चिकित्सा पर कोई खर्चा नहीं किया गया जिससे इस थेरेपी का विकास हो पाता। लेकिन हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने 60 सालों की मेहनत से इस थेरेपी को नई पहचान दिलाई और रिसर्च करते करते इस थेरेपी को मेडिकल साइंस के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिनका नाम श्री डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हैं। यही न्यूरोथेरेपी के जनक कहे जाते हैं। दोस्तों, इनकी वजह से आज हमारे देश और विदेश में भी, यानी अंग्रेजों के घर लंदन के अंदर भी न्यूरोथेरेपी का सेंटर चल रहा है, और अभी तक हमारे देश में और विदेशों में भी करोड़ों लोग इस थेरेपी का उपचार ले चुके हैं और कोई भी बीमारी को ये ठीक करने में सक्षम है और जड़ से मिटाने में सक्षम है। हम जो भी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं, स्टीरोइड लेते हैं या कोई भी हार्मोन्स लेते हैं, तो वो सेम दवाइयाँ और हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाने की जो क्षमता है वो आपके शरीर के अंदर ही है। तो जो न्यूरोथेरेपी है वो आपके शरीर में हर एक ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, तो जितने भी केमिकल और हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं उनको बैलेंस करती है। जैसे कि आपको खान पान की वजह से, गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से और पोल्यूशन की वजह से, मानसिक तनाव डिप्रेशन की वजह से, और अपना जो शक्ति है उससे ज़्यादा, अगर क्षमता से हमने ज़्यादा शारीरिक काम कर लिया और हमारे शरीर में अगर न्यूट्रिशन की कमी है, तो इसके वजह से हमारे जो शरीर के अंग हैं एवं ग्रंथियां, उनके कार्यों पर असर होता है, जिससे उनका काम धीरे हो जाता है या फिर बिगड़ जाता है। तो उन ग्रंथियों से बनने वाले केमिकल या हार्मोन्स में कमी आ जाती है। इसके कारण शरीर का हमारे एल्कली और एसिड, ये भी दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसमें से एक भी अगर इम्बैलेंस हो गया तो आपको बीमारी आ जाएगी। तो जो न्यूरोथेरेपी है उसमें हम शरीर के विभिन्न अंगों पर खास प्रकार के दबाव द्वारा उन सभी ग्रंथियों को उकसाकर उनके कार्य को दोबारा हम सुचारू रूप से सही कर देते हैं। ठीक है दोस्तों।